नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा चैप्टर 12 से ही है. ओके, इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर ए इज 2 एम्पीयर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर वन. हमें आर वन की वैल्यू बतानी है जब हमारे पास करंट 2 एम्पीयर है. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टोटल करंट है वो 2 एम्पीयर आ रहा है और जो टोटल वोल्टेज है वो 30 वोल्टेज आ रहा है. ओके, तो इसका हम आर इक्विवेलेंट पहले इसका निकाल लेते हैं. तो वी इक्वल्स टू आई आर, टोटल टोटल निकाल लेते हैं. आर इक्विवेलेंट हमारा आया वी की जगह 30, आई की जगह 2, तो हमारे पास 15 ओम रेजिस्टेंस. ओके, ये जो हमारा 5 ओम 10 ओम और आर वन है ये हमारा पैरेलल में, तो हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे. तो पैरेलल में 5 10 और आर वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर पी करके यूज करेंगे. तो 1 अपॉन आर पी में सबसे पहले हम 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 10 को यूज कर लेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो आगे 3/10 प्लस 1 अपॉन आर वन, आर पी का हमारी इक्वेशन ये आ गई 10 R1 / 3R1 + 10, ये हमारी आर पैरेलल में आ गई. अब हम ये जो हमारा इन तीनों का एक इक्विवेलेंट था वो हमारा ये आ गया आर पैरेलल में, इन तीनों की जगह हम ये यूज करेंगे. अब 6 ओम, ये 6 ओम और ये जो इन तीनों का इक्विवेलेंट था, इन तीनों का इक्विवेलेंट वो तीनों क्या है सीरीज में, 1, 2 और 3, ये तीनों सीरीज में. तो तीन कौन कौन से, 6 ओम, 6 ओम और ये जो हमारा आर पी अभी हमने निकाला है, तो इन तीनों को सीरीज में यूज कर देंगे. 6 और 6 = 12 और ये हमारा एस टी ऐसे ही आएगा. अब ये देखिए ये हमारा पूरे सर्किट का आ गया आर इक्विवेलेंट, सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स करके, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया. अब ये पहले वाला आर इक्विवेलेंट 15 ओम इसके सामने रख देंगे. तो जब हम इक्वल रखेंगे तो ये जब हमने इक्वल रखा और फिर इसको सॉल्व करके आर वन की वैल्यू हमारी आ गई 30 ओम. ओके, एक बार फिर देख लेते हैं. ये देखिए इसके अंदर हमने किया था कि हमें आर वन की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है हमने वो पूरा निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस. फिर हमने इन तीनों को पैरेलल में लिया, जो इन तीनों को पैरेलल में लेके आंसर आया वो इन दोनों के साथ सीरीज में लगा दिया 6 और 6 के साथ. तो जो हमारा फिर पूरे सर्किट का आ गया ये वाला आर इक्विवेलेंट, हमने एक आर इक्विवेलेंट पहले निकाल रखा था, तो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया. ओके, इस वाले आर इक्विवेलेंट को और इस वाले आर इक्विवेलेंट को, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो 15 ओम के आगे हमने ये पूरी इक्वेशन रख दी. तो जब हमने इक्वेशन रखी तो ये छोटी सी कैलकुलेशन करके हमारी आर वन की वैल्यू आ गई 30 ओम.